साथियों, जैसे कि आपने पूर्व प्रारंभ में ही जो है वीडियो के प्रारंभ में देख लिया होगा कि ये जो है चांदपुरगढ़ का वह किला है जहाँ पर राजा कनकपाल की राजधानी थी, और हम वहीं पर है। और आप दिखाते हैं आपको जो पूरा अवशेष जो यहाँ पर बचे हुए स्नानागार के और कुएं के और सेनाओं के लिए जो जिस तरीके से व्यवस्था हुआ करती थी यहाँ पर राजा कनकपाल के और अजयपाल के समय, उसके बाद जो है परमार वंश का यहाँ पर जो है शासन रहा। यह आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये पत्थरों का ये पूर्व नकाशी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसको अपने गोद में लिया गया, मतलब संरक्षण में लिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से नकाशी है, और ये पत्थर आप देख सकते हैं किस प्रकार की शिलाएँ हैं, और जहाँ पर ये शिला जो है कहते हैं कि यहाँ पे कुछ दो लोग विशेष लोगों से ये मंगवाई जाती थी। उस समय न तो वाहन वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, तो राजा लोग जो है कि जो सैनिक हुआ करते थे, जो ग्रामीण जनता हुआ करती थी, जो उनकी प्रजा हुआ करती थी, बड़ी ताकतवर हुआ करती थी, तो वो इन संसाधनों को जो है नदी से उठाकर यहाँ लाते थे। तो स्थानीय फुलवारी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ। तो चांदपुरगढ़ बावन गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ है जहाँ पर महाराजा कनकपाल की ये राजधानी हुआ करती थी। और आप देख सकते हैं ये जो पुरानी नक्काशी बनी हुई है पत्थरों पे, और उत्कीर्णित यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पत्थरों की जो है दीवारें बनी हुई है, और एकदम से इतनी सटीक और स्पष्ट बनी हुई है। आप देख सकते हैं स्नानागार के रूप में यहाँ पर रख देख सकते हैं ये नालियाँ, पूर्वातत्व पुराने तरीके से जो है यहाँ पर नालियाँ निकासी यहाँ पर दी गई है आप देख सकते हैं। और ये पूरी तरह से जो है प्राचीन शिल्प कला का एक अनुपम उदाहरण है। और इस तरीके से जो है रानी आदि के लिए जो है स्नानागार बनाए गए थे और सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं चांदपुरगढ़ में हम आज यहाँ पर, यहाँ का इतिहास परमार वंश कनकपाल, राजा कनकपाल की यहाँ राजधानी रही भानु प्रताप की बेटे से शादी करने के बाद। आप देख सकते हैं ये देखो आप कितनी सुंदर यहाँ पर जो है ये पत्थरों की जो है बनावट आप देख सकते हैं, सुंदर यहाँ पर जगह है। और ये चांदपुरगढ़ का किला है जो जहाँ पर राजा हुआ करता था पहले, आपको पूरी तरह से दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। ये चांदपुरगढ़ है और आज मौसम भी साफ है तो इसका मदद मिली। इसका जो इतिहास रहा पूरे 52 गढ़ों में से, गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ माना जाता है ये, और ये हमारी प्राचीन धरोहर और विरासत है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और साफ स्पष्ट जो है चिनाई यहाँ पर पत्थरों पर बनी हुई है, देख सकते हैं आप कितना स्पष्ट यहाँ पर स्वच्छता से ये बनाया गया है। कितना उस समय जो है शिल्पकला कितनी विकसित रूप में रही होगी। आजकल के आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो है भवन का नक्शा बना कर देते हैं, लेकिन उस समय हम ये मान सकते हैं कि प्राचीन शिक्षा में भी ये जो है इतना बड़ा प्रावधान रहा कि वो लोग जो है इस प्रकार की जो है इंजीनियरिंग में माहिर थे, इस प्रकार शिल्पकला में माहिर थे। और ये शिल्प कला का एक अनुपम उदाहरण है। आप देख सकते हैं चांदपुरगढ़ के ये विभिन्न दुर्ग, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। आप इधर से जरा निहारेंगे, बहुत ही बड़ा एरिया है यहाँ पर। ये राजा का किला हुआ करता था, राजा कनकपाल की राजधानी हुआ करती थी, और आप देख सकते हैं इधर से ये सारा जो है राजा का महल, जिसे हम कह सकते हैं या दुर्ग या किला इस प्रकार से कह सकते हैं। ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, और इधर से आप उधर देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, और ये आप इधर से देख सकते हैं कितना बड़ा दुर्ग है ये चांदपुरगढ़ का ये किला। और आपको बाहरी बाहर में सारा दिखा देता हूँ। वहाँ पे जो है माँ नंदा राज राजेश्वरी का मंदिर भी है जो राजा की आराध्या देवी थी। सुना है हमने कि माँ आराध्या देवी माँ जो है राजा जो है क्या करा करता था कि रात को अपना सिर काट कर जो है माता को दे दिया करता था, लेकिन माँ की कृपा से उनका सिर वापस उनके धड़ से लग जाता था। और ये इसकी जो है पूजा जो है माता की पूजा तोप में भी की जाने लगी, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है किले राजे ने बनवाए। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा क्षेत्र दिखा सकता हूँ इधर, जहाँ आप साइड देख सकते हैं ये पूरा चारों तरफ का ये नज़ारा, और ये दुर्ग आपके सामने है, ये चांदपुरगढ़ का ये किला आप देख सकते हैं साथियों। ये हमारी विरासत है, धरोहर है, ये गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ है, और आप इनकी नक्काशी देख सकते हैं किस प्रकार से जो है प्राचीन कला का एक उदाहरण है। ये ओखल है यहाँ पर,
आपको दिखा दूं मैं, ये ओखली है, ये पुरानी पत्थर पर ही उसकी यूनिट है, ये ओखली बनी हुई है। और ये पूरा एरिया आपका, ये क्षेत्र पूरा, यह चांदपुर गढ़ का इतना सुंदर और अनुपम कला का उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूँ। अंदर के कमरे में लेके चलता हूँ आपको कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे संसाधन रखने के लिए, सामान रखने के लिए, ये साइज इन साइज ये देख लीजिए आप, ये पत्थर किस तरीके से उत्कीर्णित है ये आप देख सकते हैं। और राजा कनकपाल की ये राजधानी रही, परमार वंश ने भी यहाँ पर जो है राज किया और बाद में जो है गोरखाली शासन को परास्त करने के बाद 1834 में राजा ने जो है यहाँ से स्थानांतरण कर दिया था और वे लोग यहाँ से यह श्रीनगर अपनी राजधानी बना ले चले थे। लेकिन किला और दुर्ग अभी भी अवशेष के रूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इतना बड़ा विस्तार है इसका, आप देख सकते हैं वीडियोज में, मैं आपको दिखा सकता हूँ इस वीडियो का। यह चांदपुर गढ़ का बड़ा सुरमय और आनंदमय जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये सौंदर्य से भरपूर है। इस प्रकार से स्नानागार और ये कमरे इस प्रकार के जो है सेनाओं के लिए, दुर्ग के लिए बने हुए थे। और ये देखो आप कहाँ तक नकाशी की है, जा चुकी है पत्थरों पर ये। और ये आटागार है उधर जो है, आपको दिखाई दे रहा होगा उधर आदि बदली तो दिखता है यहाँ से भगवान विष्णु का धाम। और ये मैं आपको ले चलता हूँ सीधे आदि बदली। इस दुर्ग किले में आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से जो है ये शिल्पकला पत्थरों पे जो है किस प्रकार की नकाशी की गई है। और ये देख सकते हैं सब एक प्रकार के पत्थर है, बिल्कुल ग्रीन कलर के हैं, हल्के ग्रे कलर के हैं। और मैं आप ऊपर को चढ़ रहा हूँ, यहाँ से रास्ता पता नहीं तो जाता हूँ। ये है चांदपुर गढ़ का किला और दुर्ग, ये आप जो है मेन पोर्शन में हम आ चुके हैं किले के। ये चारों तरफ है और ये यहाँ से जो है आप ये पत्थरों को देख सकते हैं, किस प्रकार से पत्थरों पर उत्कीर्ण यहाँ पे किया हुआ है, पत्थरों की निकासी आप देख सकते हैं। और कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने के लिए। तो ये विरासत इससे पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में जो है शिल्पकला और बड़े बड़े इंजीनियर उस समय भी हुआ करते थे जब जो है शिक्षा में इतना बदलाव नहीं आया था शैक्षिक क्षेत्र में। और ये मंदिर का ऊपरा रूप है, आप देख सकते हैं इस तरफ ये माता गोरजा भवानी का मंदिर है, माँ नंदा राज राजेश्वरी का। और ये पानी की निकासी भी दी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये जो है पत्थरों का आप कलर देखिए। और मैं आपको दिखा सकता हूँ बहुत ही गहन यह है शिल्पकला, यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ये आप देख सकते किस प्रकार से जो है शिल्पकला बनाई हुई है, देखो आप, ये जो है सिर्फ हाथों से, हाथों का कमाल है, कोई मशीनरी का कमाल नहीं है। ये देखो आप कितना सुंदर ये बनाया गया है। अब ये जो है पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत इसका संरक्षण का जिम्मा दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये पूरा चांदपुर गढ़ी का किला राजा भानु प्रताप और परमार वंश के वंशजों ने इसे बनाया था। और ये परंपरागत प्राचीन कला को ये दर्शाता है कि हम लोग जो है कितने विकसित रहे थे राजाओं रजवाड़ों के समय भी। और ये बहुत ही सुंदर प्रतिकृति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ गौरजा भवानी का मंदिर। और ये आपको और दिखा सकता हूँ यहाँ से, ये आपको जो सिलाएं ये दो कहते हैं कि यहाँ पे दो के जो प्राचीन लोग हुआ करते थे वो लोग, ये आप स्थानीय कहावतें हैं इसमें कि ये जो जो सिलाएं हैं ये रखी हुई है यहाँ पर, ये यहाँ के स्थानीय निवासी कोई सौर और भौर करके थे, वो अकेले इसको लाए थे। आप देख सकते हैं शिला को, जो वो अकेले इस शिला को और इसके बाद वाली जो शिला दिख रही है आपको, ये दोनों शिलाएं वो अकेले लाए थे दोनों भाई। और लेकिन जैसे ही वो नदी से जो है यहाँ तक चलकर आए और तो उस समय आने के बाद जो है उन्होंने यहीं पर दम तोड़ दिया था। ये वो शिलाएं हैं और ये मंदिर का अंदर वाला हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
सकते हैं। माँ गौरजा भवानी माँ राजराजेश्वरी का ये मंदिर है और आप दर्शन कीजिए राजा की आराध्या देवी माता गौरजा भवानी राजराजेश्वरी का ये मंदिर। आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे जो है ये हमारी विरासत है और इस विरासत को जो है अंदर दिया जल रहा है लेकिन अंदर आपको दिखा सकता हूँ माता का वह रूप। ये आप देख रहे होंगे मंदिर में अंदर अंदर जाने की अनुमति नहीं है मेरे ख्याल से और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि कई मंदिरों में जो है मनाही हुआ करती है फोटोग्राफी की। तो मैं बाहर से दिखा देता हूँ, दर्शन कीजिए आप जो है माता रानी की जय कीजिए। और ये दोस्तों ये देखो आप इस प्रकार से चांदपुर गढ़ का ये किला अभी भी जो है ये विरासत को समेटे हुए हैं और इस प्रकार से जो है ये पत्थरों पर नकाशी जो एक बहुत ही बड़ी कला का एक उदाहरण है। इस प्रकार की कला उस समय विकसित रही थी लेकिन अंग्रेज और गोरखों के शासनकाल के दौरान जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा में आगे आएं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का आपसे प्रार्थना है कि इस तरीके की जो है हमारे जितने भी ये हेरिटेज है जो विरासत है इनका संरक्षण किया जाए। नए युवाओं को नौ पीढ़ी को इसका ध्यान रखा जाना चाहिए और इस इतिहास के बारे में आप सर्च कर सकते हैं कि गढ़वाल का किस प्रकार से इतिहास रहा। माता रानी का मंदिर आपको दिखा सकते हैं, अंदर जो है आप देख सकते हैं ये माता रानी का मंदिर है और माता के दर्शन पाकर जो है आजकल शारदीय नवरात्र में आप सभी का माता रानी खुश रखे आपके परिवार को और माँ रानी के दर्शन पाकर आप जो है खुश होंगे। माँ गौरजा देवी का ये मंदिर है, राजा की आराध्या देवी जगदम्बा यहाँ पर विराजमान रहती है और आप देख सकते हैं। आप कहीं अच्छा कब अच्छा ये आप इधर घूमने आए होंगे? अच्छा ड्यूटी है, अच्छा ये सर्वेक्षण की बात की तरफ से, अच्छा अच्छा तो इतनी दूर लगा। प्राचीन समय का कुआं और ये कुआं आप देख सकते हैं बहुत ही गहरा रहा होगा लेकिन समयांतर में जो है इसमें जो है मिट्टी और पत्थर भर दिए गए हैं लेकिन उस समय जो है बहुत ही गहरा रहा होगा जिसमें पानी की आपूर्ति की जाती रही होगी। आपको कुएं के अंदर का पोर्शन मैं दिखा देता हूँ। ये विरासत है, ये जो है राजाओं की विरासत है और रजवाड़ों ने इसको संभाल के रखा और अभी भी जो है सरकार का पुरजोर बल है कि इस विरासत को संरक्षित रखा जा सके ताकि प्राचीन संस्कृति और प्राचीन कलाओं से हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये पूरी तरह से पत्थर की बनी हुई सीमेंटेड नहीं है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से पत्थर पर नक्काशी करके जो है ये पानी का धारा यहाँ पे स्नानागार रहा हुआ होगा तो इस प्रकार से ये पत्थर की नक्काशी करके और पानी को धारा के रूप में जो है स्नानागार के लिए उपयुक्त बनाया गया था।
ये हमारे भाई जी हैं, ये मनीष जिजोनी से हैं और इनके सहारे मैं यहाँ दूर तक पहुँचा। यहाँ बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है तो मुझे डर भी लगता है, तो इस कारण मैं यहाँ पे आया। तो इनसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, भैया मुझे यहाँ तक ला पाए। जबकि मैं चांदपुर दुर्ग के लिए जो है स्पेशल वीडियो बनाने चला था, लेकिन मैं वापसी जा रहा था, तब तक रास्ते में मनीष भाई जी मुझे मिल गए और वो मुझे ऊपर तक लाए और मुझे केला खाने को भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो वीडियो में बने रहेंगे। ये सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हुई दुर्ग की तरफ और जहाँ से हम ऊपर आए थे, और करीब जो है महज 300 मीटर की ऊंच चढ़ाई पर जो है ये किला स्थित है। तो जब भी आपको आना हो तो आप जो है ऋषिकेश से होकर श्रीनगर के रास्ते रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए, सिमली होते हुए और यहाँ पर चांदपुर दुर्ग पर आ सकते हैं। आपका स्वागत है, यहाँ पर बहुत शांत वातावरण में। तो इसके इर्द गिर्द जो पर्यटक स्थल मैं आपको बता दूँ, आदिबद्री है और नोटी गांव है यहाँ ऊपर, और वो भी जो है बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है, लोग काफ़ी पर्यटन करते हैं। और साथ में आपको रास्ते में सिमली में जो है माँ चंडिका माई का मंदिर देखने को मिलेगा, और जो है उधर वाण मंदोली आदि में जो है राजराजेश्वरी का मंदिर जो है इस रास्ते पर पड़ता है, जो कि बहुत ही महत्व रखता है। तो आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से जो है हमारी ये यात्रा चांदपुरगढ़ का जो है दुर्ग प्राचीन कला और विरासत का एक प्रतीक है। और अब मैं नीचे की ओर उतरता हुआ यहाँ पर ये रहा, मैं बिल्कुल रोड की तरफ अब मैं चलता हूँ इधर से कर्णप्रयाग की ओर मुझे जाना है, तो मुझे यहाँ से रोड में जाना होगा। नीचे राजराजेश्वरी का मंदिर मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रथम गेट पर जब भी कोई राजा से मिलने आया करता था तो उसे जो है माता नंदा देवी के मंदिर में जो है पूजा अर्चन करना होता था, और उसके बाद ही जो है वो किले में प्रवेश कर सकता था, महल में आ सकता था। तो प्राचीन विरासत का यह मंदिर बहुत ही सौंदर्य से भरा हुआ आपने देखा होगा। ये राजराजेश्वरी माता का मंदिर यहाँ पर प्रथम द्वार पर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक एवं स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता या नष्ट करता है तो बिलगत्व परिवर्तित करता, कुरूप करता, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो इस अपकृत्य के लिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष संशोधन तथा विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 2 वर्ष तक कारावास एवं ₹1,00,000 का जुर्माना अथवा दोनों दंडित किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस प्रोटेक्ट मूवमेंट के आदेश जो है सरकार के द्वारा आदेश निर्धारित किया गया है कि यदि कोई इस प्रकार की दुर्ग और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाता है तो उसे किस प्रकार से दंडित किया जा सकता है। यह प्रवेश द्वार था किले का। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यूनिवर्सिटी 91 को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए जो है ऐतिहासिक स्थलों के और पर्यटन स्थलों के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो ये होती हमारी यात्रा यहाँ पर जो है पूरी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल के साथ रहने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।